ये है ट्रुक का ईयरबड, ट्रुक ईयरबड लाइट करके कुछ इसका मॉडल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि ये एक एक डिवाइस में दो डिवाइस शो कर रहा है, ये अलग अलग, दोनों अलग अलग पेयर होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बजता है, मतलब एक साथ नहीं बज रहा, पेयर नहीं हो पा रहा। तो इसको कैसे रिसेट करेंगे ये मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ किस प्रकार से वो करना है। जब आपका फ़ोन जो है उसको पहले डिस्कनेक्ट कर देना है इससे, और इसको निकालना है बाहर। और इसको निकालने के बाद इसको दोनों को ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने का मेथड है कि इसको दोनों इसको दबा के रखिएगा तो ये ऑफ़ हो जाता है। कान में लगा के अब जब दबाइएगा तो आपको सो ये सुनाई देगा, टर्न ऑफ। दोनों को ऑफ़ कर लेना, फिर उसके बाद इसको फिर से इसमें डालना है, दोबारा इसमें डाल दीजिएगा। दोबारा डालने के बाद फिर इसको निकालना है बाहर, ठीक। ये दोनों को निकालना है और दोनों में देखिएगा बराबर लाइट जल रहा होगा, दोनों में बराबर लाइट जल रहा होगा। देखिए अभी ब्लिंक करा ना, इसी प्रकार से ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो वो दोनों को जब लाइट जलेगा तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो लेफ्ट साइड का जो बर्ड है उसको चार बार टैप करना है। जब चार बार टैप कीजिएगा तो उसका लाइट जो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों को फिर से इसमें डाल देना है और उसके बाद निकालना है फिर से। उसके बाद फ़ोन में सर्च करना है, देखिए उसके बाद एक वायरलेस आपको दिखाएगा, एक ही डिवाइस दिखाएगा, उसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपका ये पेयर हो जाएगा। तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो इस तरह का इशू है ये आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से इसमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर ये नहीं हो रहा आपसे तो आप पूछिएगा, मैं आपको पूरा स्टेप बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ है, वो भी जाके आप देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अभी और एक रिपेयरिंग का वीडियो आने वाला है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वो ईयरफोन का ही रिपेयरिंग है, ब्लूटूथ वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।